हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के नए अपडेट के बारे में। कुछ ही दिन पहले मैंने मेरे A52 में जो एंड्रॉयड 13 और वन UI5 का अपडेट है, उस अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग ने एक नई अपडेट को पुश किया है एंड्रॉयड 13 के बाद। अपडेट के मामले में सैमसंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आफ्टर सेल सर्विस भी सैमसंग का बहुत अच्छा है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है सैमसंग की। सैमसंग की लेटेस्ट जो फ्लैगशिप सीरीज़ है और यहाँ पर जो ए सीरीज़ है और एम सीरीज़ भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर अपडेट की जो रेगुलरिटी है वो सैमसंग की काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण सैमसंग की सेल काफ़ी बढ़ गई है। इसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर अपडेट हैं जो कि सिक्योरिटी पैच लेवल है, और यहाँ पर छोटे मोटे जो बग्स है उसको फिक्स किया है सैमसंग ने। अपडेट करीब करीब 200 MB के ऊपर है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके वापस आते हैं और देखते हैं इस पर क्या कुछ है ख़ास। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो फ्लुइडिटी है वो काफ़ी अच्छी है और सैमसंग की डिस्प्ले एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैं आपको सेटिंग्स में लिए चलता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया है। सॉफ्टवेयर अपडेट में आप देख सकते हैं 21 तारीख को इस अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया है अपने फ़ोन में, और इस पे जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 दिसंबर का है। तो काफ़ी अच्छी तरह से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं विथ लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट एंड सिक्योरिटी पैच लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं A52 में मेरा जो अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 13 और वन UI 5.0 में A52 रन कर रहा है। और यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 दिसंबर 2022। वन UI 5 के बाद सैमसंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर सेक्शन है उसको सैमसंग ने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज की है। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कोई भी वॉलपेपर का, और यहाँ पर आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो काफ़ी अच्छी लग रही है। और सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो लाजवाब होने के कारण जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और इसके बाद आप कलर पैलेट को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वन UI 5 के बाद सॉलिड कलर्स को भी सैमसंग ने ऐड किया है, जिसके कारण इसकी जो लुक एंड फील है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर आप कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस कलर को भी आप सिलेक्ट करेंगे वो अच्छी ही लगेगी सैमसंग A52 में। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। हालांकि 4G डिवाइस है लेकिन इसकी फ्लुइडिटी काफ़ी अच्छी है। 90Hz का रिफ्रेश रेट है इस डिवाइस में, और आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं एप्पल की तरह। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में एप्पल में क्या होता है, यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर दोनों को एप्पल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ लॉक स्क्रीन को ही कस्टमाइज़ कर सकेंगे। वॉलपेपर चेंज के लिए आपको स्क्रीन को अनलॉक करना पड़ेगा और फिर सेटिंग्स में जाकर आपको वॉलपेपर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस अपडेट में भी एक वेलकम चेंज मुझे लग रही है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन भर भर के सैमसंग ने आपको दी है, तो इसका मज़ा लीजिए। और कैसी लगी है आपको इस अपडेट को वो भी कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। और अगर आप A52 का यूज़र्स हैं तो क्या आपको ये अपडेट मिली है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थीम सेक्शन में किस तरह से आप थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थीम को इंस्टॉल किया है, तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे इसका लुक एंड फील है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थीम को मैंने सिलेक्ट किया है, काफ़ी बड़ी थीम है।
100 MB के ऊपर है, तो कुछ इस तरह से इस थीम का जो लुक एंड फील है वो आप देख सकते हैं, एक नई डिवाइस की तरह काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस अपडेट के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो चलिए देखते हैं, आपको एक सैम्पल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है, कैमरा का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी लग रही है इस अपडेट के बाद, हालांकि मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं आपके A52 में कैमरा क्वालिटी कैसा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।